हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में मैं अपनी नानी के घर रामनगर में थी एंड आज हम लोग जा रहे हैं रामनगर से बेताल घाट अपने गांव के लिए। तो गाइस एंजॉय कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। गाइज लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी दिल्ली टू उत्तराखंड के लिए, उसमें हम लोगों की डायरेक्ट बस थी दिल्ली टू बेतालघाट और हम लोग रात को आए थे। तो ये इतना प्यारा व्यू हम लोग तब देख नहीं पाए थे, मिस किया था हमने काफ़ी कुछ। तो आज हम लोग दिन में आ रहे हैं तो ये पूरा व्यू इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो आप लोग भी व्यू के मज़े लीजिए। ये हमारे पापा के दोस्त अंकल कह रहे मैं तुम्हारे पापा से 32 साल बाद मिलाऊं, मुझे पहचानो, मैं तो हम कैसे पहचानेंगे। अंकल हाय बोल दो। इस टाइम पे उत्तराखंड में आप कहीं भी जाओगे तो आपको छोटे मोटे वाटरफॉल्स तो देखने को ज़रूर मिलेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। और वैसे ही छोटे मोटे कुछ वाटरफॉल्स आप लोगों को मैं भी दिखाती हुई चलूँगी। ड्राइवर अंकल तो गाइस उत्तराखंड जाते हुए मुझे बस एक ही चीज चाहिए। अब मैं चाहे बस से जाऊँ या गाड़ी से जाऊँ तो बस मुझे एक खिड़की वाली सीट चाहिए होती है जिससे मैं बाहर व्यू के पूरे मजे ले सकूं। जी बोलो कुछ। अभी हम क्या हैं, कैरी में कहाँ रुके हम? जमीरा पे। जमीरा पे रुके हैं? जमीरा है माँ, कैरी बोल रहे हैं। कैरी, अच्छा क्या करने के लिए रुके हैं फिर? नाश्ता पानी तो हम बस में चढ़ते कर गए। तो यहाँ पीछे तो पीछे मस्त पहाड़ दिखाना, क्या मस्त अपने को भी तो दिखा ही सकती हूँ। अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ा ड्राइवर को रेस्ट देने के लिए। थोड़ा इधर का बैक साइड से व्यू दिखाते हैं। लंबा सफर है और ब्रेक भी ज़रूरी है तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं चाय नाश्ते के लिए। नाश्ता तो हमने मॉर्निंग में बस में चढ़ते ही कर लिया था तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। मैं तो बुरी लागन से गिम्बल तो मेरा उसमें रख दिया, चुना खराब फिट। हम लोग निकली हैं सारी औरतें शहर पे। एथाल यहीं आल मम्मी एक गधे रह रो कहीं काटू कैसे राता सुन सावरे। ये दिल्ली वाले लोग अपने गांव की जिंदगी याद कर रहे हैं। भोटिया कुकुर
ये कुछ करता तो नहीं मम्मी? जा खड़ी हो, मैं जीतूंगा। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आ रहा है। आदमी तो नहीं आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा है। चलो चलो, हम पहुंच गए बेतालगढ़। तो लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव के मेन मार्केट बेतालघाट में। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। सबू शक्ल का शहर है। फूफा जी चमक रहे हैं, बस दिल्ली से आए हुए लग रहे हैं, बाकी सब यहीं के लग रहे हैं लोग। ये थोड़ा थोड़ा मम्मी, थोड़ा थोड़ा करके हमारा सामान डबल ट्रिपल। तो फाइनली हम लोग बेतालघाट पहुंच चुके हैं और घोड़िया आल्सो जाने के लिए हम लोगों की गाड़ी भी लगी हुई है। बट उससे पहले हम लोग जा रहे हैं नकवा बुबू के मंदिर। तो हम पहले जाएंगे नकवा बुबू के मंदिर और उनके दर्शन करके आएंगे, एंड उसके बाद जाएंगे हम ऊपर मंदिर शिवालय में, जो कि थोड़ा नए स्ट्रक्चर से बन रहा है। नकवा बुबू हमारे गांव के भूमिया देवता हैं, जो कि हर किसी की रक्षा करते हैं। तो जब भी गांव आते हैं हम लोग उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। अगर आपको नकवा बुबू के बारे में और कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में स्टोरी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। वो बन गई रोड। कब तक आएंगे लोग? ओ ये भी है, ये भी रास्ता है, ये पार करके कहीं तो जाता होगा या कहीं टूट गया होगा रास्ता। सबसे ज्यादा कभी कोसी नदी तो पूरे जोर शोर से। हैंड वॉश करो यहाँ तो आग हो जाएगा। ये मंदिर, लास्ट टाइम भी मैं मंदिर में लाई थी और मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड की थी मंदिर वाली, तो उसमें मंदिर अलग था। अभी इस कुछ महीनों के बीच, 5 महीनों के बीच चेंज हो गया है। बहुत प्यारा लग रहा है, अभी तो बन ही रहा है, अभी से इतना प्यारा लग रहा है। ये अभी आधा आधा ही बन रहा है, पर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये हैं मंदिर के पंडित जी। तो हम लोग पहले इनका आशीर्वाद ले लेते हैं और हम लोग अभी मंदिर देख रहे हैं। शिवलिंग तो वहीं पे हैं, बाकी चीज़ें नई बन गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। कलर होने के बाद तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या बनाया है इधर। ये पूरा शिव परिवार बना रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे पंडित जी के साथ थोड़ी बातचीत मंदिर से रिलेटेड। यहाँ से हमारा
गांव का मंदिर दिख रहा है पहाड़ पे ना। इधर बहुत सारी घंटियां रहती हैं, घंटियों का भंडार। आ रहे हो घंटियों का भंडार। आ रहे हो, यह घंटियों का भंडार। अरे चिड़िया, यह चिड़िया, चिड़िया आओ आ गई। एंड मम्मी पापा के आने से पहले ही हम लोग मंदिर के चक्कर लगा चुके हैं, मंदिर को देख चुके हैं। अभी मम्मी पापा थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे गांव के। एंड मौसम और पहाड़ों के मज़े तो मैं ले रही हूँ, आप लोग लो इन व्यू के मज़े। हम लोग पहुंच गए हैं घोड़िया हलसू और इतना अच्छा मौसम हो रहा है इधर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। ओ अम्मा नमस्कार। नमस्कार अम्मा। कल अभी से हमारा यही काम शुरू होने वाला है। दिन का बज रहा है 2:30, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है।
तो इस बहुत अच्छे से मौसम के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं और मैं अपना सेकंड व्लॉग बनाऊंगी अब उत्तराखंड में। तो अभी हम अपने फर्स्ट व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखना भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा। उत्तराखंड में आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून सा मिला, बहुत एक्साइटेड थी मैं। तो फाइनली उत्तराखंड में हूँ।